अपर्यतम तद अस्मकाम बलम भीष्म भिराक्षितम पर्यतम त्व इदम इतस्म बलम भीम भिराक्षितम। हेलो एंड वेलकम टू द मेलोडीज ऑफ गॉड। और आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 10 और टेक्स्ट 11। सो इन दिस श्लोक दुर्योधन सेज आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल एंड वी आर हियर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय द ग्रैंडफादर भीष्म वेयर एज द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवास केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीम इज लिमिटेड। सो इस श्लोक में या इस सेक्शन में हमें पता चलता है कि दुर्योधन ये कह रहा है कि जो कौरव सेना है उसकी सेनापति है भीष्मपितामह जो कि एक बहुत ही निपुण महारथी होता है और उनके प्रोटेक्शन में उनके नेतृत्व में सेना का बल इतना ज्यादा है कि दुर्योधन को ये कन्फर्म लगने लगा है कि उसको इतना भरोसा है उस पर कि हमारा इस युद्ध में जीतना तय है। पर अंदर ही अंदर वो ये भी जानता है कि अगर उसको संसार में कोई हरा सकता है गदा युद्ध में या किसी भी मल्ल युद्ध में या किसी भी प्रकार के युद्ध में तो वो है भीम। और अंदर ही अंदर वो भीम से कहीं ना कहीं घबराता भी है डरता भी है। तो उसका डर यहाँ इस श्लोक में ये भी जाहिर होता है कि पांडव सेना का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योद्धा है भीम उनके प्रोडक्शन में भी जो है पांडव सेना बहुत स्ट्रांग है बहुत ही निडर है बट फिर भी वो जो भीम है वो भीष्मपितामह के सामने कुछ भी नहीं है जो कि बात सही भी है। तो दुर्योधन की यहाँ पे डर और उसका कॉन्फिडेंस दोनों से लगता है कि एक तरफ वो बहुत खुश भी है कि भीष्मपितामह के अंडर उनकी सेना का जीतना तो तय है और दूसरी तरफ उसकी घृणा उसकी जेलसी जो भीम के प्रति है वो भी यहाँ जाहिर हो रही है। तो बेसिकली श्लोक में वो बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में अपनी सेना को युद्ध से पहले मोटिवेट कर रहा है अपने वॉरियर्स को प्रेज कर रहा है एक कंपैरिजन के थ्रू अपने सेना के वॉरियर्स और पांडव सेना के वॉरियर्स में के बीच करके कि हमारे सेना में कौरव सेना में तो भीष्मपितामह द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा हैं और सामने पांडव सेना में तो भीम अर्जुन जैसे योद्धा हैं। हालांकि भीम और अर्जुन जैसे योद्धा वो जानता है कि कम नहीं है परंतु द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह के सामने तो कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा कम पड़ सकता है। इन टेक्स्ट 11 दुर्योधन सेज अयंशु च सर्वेषु यथा भगम अवस्थिताः भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे इवाहि। This means all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at the respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. अब जब दुर्योधन भीष्मपितामह की इतनी बड़ाई कर रहा था इतनी तारीफ कर रहा था तो उसको मन में ये ख्याल आया कि जो बाकी के योद्धा हैं बाकी के महारथी हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस कम न समझने लगे। तो यहाँ पे इसका एक डिप्लोमेटिक साइड आता है दुर्योधन का कि उसने भीष्मपितामह की बढ़ाई करने के साथ साथ अपने बाकी के महारथियों को भी कैसे प्रेस किया है युद्ध के शुरुआत के समय पे। तो उसने बाकी के योद्धाओं को ये अपील किया बाकी के सारे महारथियों को ये रिक्वेस्ट करी अपील की कि वो भीष्मपितामह के सपोर्ट में अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दें अपनी पूरी 100% शक्ति के साथ उनका शील्ड बनकर उनके सामने खड़े हो जाएं क्योंकि क्या पता कि भीष्मपितामह अपने वॉरियर्स के साथ अपने एनिमीज के साथ युद्ध करते करते इतनी बिजी हो जाएं कि जो एनिमी है जो पांडव हैं वो उन पे किसी और तरफ से हमला कर दें क्योंकि दुर्योधन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भीष्मपितामह चाहे कितने ही महान योद्धा हो परंतु वो एक एजेड में भी आज एजेड हो चुके हैं एजेड पर्सनैलिटी हैं वो बुजुर्ग हैं वो वृद्ध हैं। तो इसीलिए वो ये अपील कर रहा है बाकी के वॉरियर से कि वो अपनी पूरी की पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन दें इनकी प्रोटेक्शन के लिए कि भले भीष्मपितामह अपने एनिमीज को मार रहे हों पर उनके डिफेंस में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और वो डिफेंस का जो जिम्मा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाकी के वॉरियर्स को दे दी गई। यहाँ पे दुर्योधन का एक साइड और भी पता चलता है कि उसको ये कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जिस प्रकार द्यूत सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करके उनके सामने लाने जाने की चेष्टा कर रहा था दुर्योधन और भीष्मपितामह द्रोणाचार्य मनी मन बहुत दुखी थे मनी मन बहुत क्रोधित भी थे परंतु वो अपने वचन के कारण अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो दुर्योधन को ये लगता है दुर्योधन को ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि ये भले ही भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य मन से पांडवों की तरफ हैं परंतु युद्ध ये मेरे लिए ही लड़ रहे हैं और इसमें विक्ट्री भी वो मेरे को ही दिलाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्णा।